Hello kids, good morning. Take out your world around me picture book and open page number 4141. तो students, इसके पहले हमने lesson number 30 wild animals के बारे में पढ़ा था. कौन कौन से होते हैं wild animals? Tiger, zebra, deer, lion, monkey, giraffe, elephant, rabbit. Okay, ये सारे animals हमने पढ़े थे wild animals में. तो अब हम wild animals और बाकी जो कुछ वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं. तो फर्स्ट नंबर पे आता है यहाँ पर पिक्चर में बियर. ओके, BEAR, बियर. ये एलिफेंट जैसा आपको मोटा दिख रहा है एनिमल, उसे हम इंग्लिश में बियर कहते हैं. ओके, और मराठी में भालू. स्टूडेंट्स, ये ब्लैक कलर का एनिमल है, उसके हेयर लॉन्ग होते हैं और साथ ही में उसके जो नाखून होते हैं वो भी तीक्ष्ण होते हैं. BEAR, बियर, यानी भालू. नेक्स्ट एनिमल इज चीता. इसे इंग्लिश में चीता कहते हैं और मराठी में भी चीता ही कहा जाता है. स्टूडेंट्स, चीता के बॉडी येलोइश कलर की होती है और उसके बॉडी पर ब्लैक कलर्स के डॉट्स होते हैं. ओके, इस तरह जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है. उसका जो फेस होता है वो टाइगर के जैसा ही होता है और उसे एक लंबी टेल भी होती है, यानी टेल यानी पूंछ. ओके, और चीता को क्या कहा जाता है पता है आपको? चीता इज द फास्टेस्ट एनिमल, वो सबसे तेज दौड़ता है सभी एनिमल्स से भी ज्यादा. सभी एनिमल्स में सबसे फास्ट जो एनिमल है वो है चीता. सभी प्राणियों से बढ़कर उसकी रफ्तार होती है चीता. नेक्स्ट इज हिप्पोपोटामस. स्टूडेंट्स, ये जो पिक्चर में आपको एक अनोखा प्रकार का जो एनिमल दिखाई दे रहा है उससे हम मराठी में गेंडा कहते हैं और इंग्लिश में हिप्पोपोटामस, HIPPO, हिप्पो POTAMUS, पोटामस. हिप्पोपोटामस मतलब गेंडा. स्टूडेंट्स, दिखने में ये सुअर जैसा है लेकिन ये एनिमल सुअर से भी बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली होता है और ये जंगलों में ही पाया जाता है. नेक्स्ट, ये हो गए वाइल्ड एनिमल्स, बियर, चित्ता, हिप्पोपोटामस. देन नेक्स्ट आर रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स मतलब सरपटनारे प्राणी, मोस्टली क्रोकोडाइल और एलिगेटर. ये जो एनिमल है वो वाटर में ही पाए जाते हैं. एंड स्नेक, स्नेक तो कॉमन है आपको पता ही, कापर भी, मतलब ज्यादातर की खेती में स्नेक्स हमें दिखाई देते हैं. क्रोकोडाइल, ये है क्रोकोडाइल, CROCODILE, क्रोकोडाइल यानी मगर, मगरमच्छ. स्टूडेंट्स, क्रोकोडाइल की जो बॉडी होती है वो रफ टाइप की होती है, उसकी जो स्किन आपको दिखाई दे रही वो स्मूथ दिखाई दे रही कि आपको सॉफ्ट लग रही क्या? तो नहीं, ये रफ होती है. रफ यानी ऐसे खरबड़ी. ओके, उससे कितने लेग्स है? 1, 2, 3, 4, और उससे फिंगर्स भी, देखो नाखून है. ओके, 1, 2, 3, 4, 5 नेल्स दोनों हैंड्स को और दोनों लेग्स को क्या है? 5 नेल्स. स्टूडेंट्स, ये एनिमल भी बहुत ही खतरनाक होता है, इसलिए हमेशा पानी में जाने के वक्त बचकर रहना चाहिए. इन इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही डेंजर होते हैं. तो स्टूडेंट्स, जा कहीं पे भी रिवर आपको दिखाई दे या फिर बहुत सारा पानी हो तो उसमें सोच समझ कर ही आपको जाना है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नेक्स्ट रेप्टाइल इज एलिगेटर, ALLIGATOR, एलिगेटर. तो बच्चों, ये भी क्रोकोडाइल जैसा ही है एलिगेटर, ये भी उसकी एक जाति है. नेक्स्ट है स्नेक. स्नेक तो आप सभी को पता है, स्नेक यानी सांप. ये भी बहुत ही पॉइजनस मतलब विषारी और खतरनाक होता है. अगर आप खेती में या फिर कहीं बगीचे में घूम रहे हो तो आपको नीचे देखकर ही चलना है. ओके, क्योंकि इस तरह के जो स्नेक्स होते हैं वो ज्यादातर ग्रास में या फिर खेती में कहां पर भी पाए जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको सिर्फ इतना वर्क है यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स में बियर, चीता, हिप्पोपोटामस, ये याद रखना है. और नेक्स्ट
रेप्टाइल्स में आपको क्रोकोडाइल, एलिगेटर, स्नेक, ये नाम आपको याद रखने। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।